हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में 14 लाख के करीब युवा रोजगार कार्यालय में नौकरी की कतार में खड़े पाए गए हैं। नौकरी सिर्फ सरकार में हो, जयराम सरकार ने सिर्फ 7,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पुलिस घोटाला सबसे बड़ा आजादी के बाद का घोटाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए रोजगार नीति लेकर आ रही है। हमने गारंटी में कहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, और ये जनता इस बात का इंगित करती है कि हम चुनावी रैलियां पैसे धन और बल से नहीं करते, हम भावनाओं से चुनावी रैलियां करते हैं। आज जनता की भावना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार है उसको उखाड़ने के लिए, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, एकजुट होकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हिमाचल प्रदेश से एक विशेष लगाव था उनको, अक्सर आया करती थी हिमाचल प्रदेश। केवल इन्हीं पहाड़ियों तक सीमित नहीं, वो लाहौल स्पीति की घाटियों तक जाती थी। जब वो आया करती थी तो इतना सिक्योरिटी का तामझाम नहीं हुआ करता था, और वो डायरेक्ट लोगों के बीच में जाकर लोगों को पूछती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि जब वो लोगों के बीच जाकर पूछती थी कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आप बताएं मुझे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, तो लोगों ने कहा कि मैडम अगर हमारे लिए एक सुरंग का निर्माण हो जाए, एक टनल बन जाए, तो हमारी जिंदगी बहुत सार्थक हो जाएगी। हम 6-6 महीने से बर्फबारी से कट जाते हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। और जैसे ही वो वापस लौटी, ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाई, पर हम आभारी हैं राजीव गांधी जी के, जिन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे हैं कि जो वो टनल है, वो पिछली सरकार जो हमारी यूपीए की सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसमें एक एक पैसा उनकी बदौलत हमको मिला। उससे मुझे भी गौरव था, मैं एमपी बनकर जब मैं गई तो हमारी सारी डेलीगेशन लाहौल स्पीति से आई, उन्होंने सोनिया जी से भी भेंट की, और उन्होंने अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा कि ये इंदिरा जी का स्वप्न था, हम चाहते हैं ये काम हो। सोनिया जी ने हमें पूरा सहयोग दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें पैसा दिया, और आज आप देखते हैं कि लाहौल स्पीति के लोग आज उस टनल की वजह से जुड़े हैं। पर बड़े दुख की बात है कि जब उसका उद्घाटन होना था तो वहां पर मोदी जी को बुलाया गया, मोदी जी आए उस टनल का उद्घाटन करने के लिए। वो टनल रोहतांग के टनल से के नाम से जानी जाती थी, उसका नाम बदल के भी उन्होंने अटल टनल रख दिया। और उससे भी दुखद घटना, जो वहां पर उसका शिलान्यास का पत्थर लगा था जिसमें सोनिया गांधी जी का नाम, वीरभद्र सिंह जी का नाम, केंद्र से आए मंत्री उनका नाम था, वो पट्टिका भी वहां से उतार दी गई। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज हमारे इस कैंपेन को जो है लॉन्च करने के लिए आए हैं, और मैं प्रियंका गांधी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में 28 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार होगी। जितना मर्जी ताकत लगा लें, मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार कर लो, मानसिक तौर पे तैयार कर लो कि आप जा रहे हैं। और वैसे तो मैं ये कहता हूं,
जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। जिस ग्राउंड में आप रैली कर रहे थे मोदी जी, जहां पे आप कह रहे थे कि गांधी परिवार ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखना था, वहां इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां पे इतना बड़ा स्टेडियम, वहां पीछे बोर्ड लगे हुए हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम, और आप पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। और इसलिए जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा है, चाहे कर्मचारियों के एरियर्स का मुद्दा है, चाहे ये, तो यहाँ जो भी मुख्यमंत्री हुए, डॉक्टर परमार हुए हिमाचल बनाने वाले, वीरभद्र सिंह हुए आधुनिक हिमाचल का निर्माण करने वाले, जयराम को अगर याद किया जाएगा तो नौकरियां बेचने वाला मुख्यमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा। जब 6-6 लाख की नौकरी बिकी, जब पुलिस की नौकरियां बिक गई, जब पंप ऑपरेटरों की नौकरियां बिक गई, और कह रहे हैं कि वीरभद्र का मॉडल क्या है, वीरभद्र का मॉडल तो विकास मॉडल था, आपका जो मॉडल है वो फिजूल खर्ची का मॉडल है, बर्बादी का मॉडल है।